फ्रेंड्स, वेलकम टू मशीन टूल डिजाइन कम्युनिटी अगेन। तो हम लोग जो ये एक सीरीज चला रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रेस टूल, इसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम लोग हर एलिमेंट को इजीली डिजाइन कर सके और छोटे छोटे वीडियो तो डिजाइनिंग इजी हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टिफर प्लेट पे। अभी पिछले इसमें हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं, अब स्टिफर प्लेट और गाइड पिलर और बुश बचा था। तो अभी स्टिफर प्लेट क्या है? स्टिपर प्लेट जो होता है ये डाई प्लेट के ऊपर लगता है। अब इसमें दो टाइप के स्टिपर प्लेट होते हैं, एक होता है फिक्स स्टिपर प्लेट जो कि डाई प्लेट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और उसमें एक स्लॉट होता है जिसमें स्ट्रिप गाइड होती है और पंच भी गाइड होता है। तो स्टिपर प्लेट के कितने फंक्शन होते हैं? तीन। एक तो होता है स्ट्रिप को गाइड करता है, दूसरा पंच को गाइड करता है और तीसरा स्ट्रिप करता है। स्टिपर प्लेट बोलते स्ट्रिप करता है। तो हम लोग जब पंच टेक एन एग्जाम्पल, पंच ये पंच है हम लोग का और ये पंच से हम लोगों ने एक शीट काटा है तो जो स्प्रिंग बैक इफेक्ट होता है तो शीट उसका ब्लैंक जब कट होएगा तो जो स्ट्रिप शीट है वो इसके ऊपर ऐसे लॉक हो जाएगी और फिर वो पंच के साथ ऊपर जाएगी। तो इसीलिए एक स्ट्रिपर प्लेट होगा जो शीट को ऐसे रोके, यहां पर रोकेगा और शीट को स्ट्रिप कर देगा, दैट मीन्स शीट को बाहर निकाल देगा पंच से। तो उसमें एक स्लॉट होता है ऐसा, तो ये जो विड्थ होती है ये विड्थ होती है स्ट्रिप थिकनेस प्लस सम क्लियरेंस 0.5 mm 1 mm। तो ये जो होती है ये शीट विड्थ होती है, शीट विड्थ प्लस क्लियरेंस, और ये जो हाइट होती है शीट थिकनेस प्लस क्लियरेंस। टेक एन एग्जांपल 0.5 mm 1 mm, लगभग 0.5 mm इजी होता है, बट अगर तुम उसको ग्राइंडिंग करते हो तो 0.5 mm होगा, अदरवाइज उसको हम लोग 1 mm रखेंगे। उसका जो मटेरियल होता है वो MS होता है या EF31 होता है, ताकि कहीं पे मटेरियल शीट थिकनेस ज्यादा हो तो हम लोग को हार्डन करनी पड़ती है ताकि बहुत नहीं तो बहुत जल्दी वेयर हो जाएगी। तो हम लोग उसको हार्ड करके 48-52 HRC करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं हर वीडियो में कहता हूं ये चीज, हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग करेंगे 48-52 HRC, खाली हार्डनिंग नहीं करेंगे। तो ये होती है स्ट्रिपर प्लेट। ये हमने जो बनाई है ये फिक्स स्ट्रिपर प्लेट होती है, यहाँ पे इसको बोल्ट्स होल काउंटर बोर होते हैं जो कि हमारे डाई प्लेट पे फिक्स हो जाता है। और दूसरी टाइप की जो मूविंग स्ट्रिपर प्लेट होती है वो यहां पे बनाई जाती है, वो फिक्स नहीं रहती है, वो यहां पे होती है और इसको यहां पे स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं, पीयू स्प्रिंग्स या फिर, ताकि जब ये पंच के साथ नीचे आए तो वो दब स्प्रिंग दब जाए और जैसे ही पंच का एक्शन रिवर्स हो जाए तो वो स्प्रिंग से नीचे आए और स्ट्रिप को पंच से बाहर निकाल दे। तो ये दो टाइप की होती है, दैट इज फिक्स्ड और मूविंग स्ट्रिपर प्लेट। तो फिक्स टाइप की जो होती है बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन होता है, बट मूविंग टाइप में आपको उसको गाइड पिलर देना होता है, टायर रॉड देने होते हैं ताकि उसको भी गाइड कर सके क्योंकि वो भी मूविंग हो गया है, और उसको फिर आपको क्लैंप करना पड़ता है, बीच में स्प्रिंग्स डालने पड़ते हैं, पीयू के या फिर अपने एमएस के स्प्रिंग्स डालने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग स्ट्रिपर प्लेट डाल सकते हैं। स्ट्रिपर प्लेट का जो थिकनेस है वो 1.5 mm ऑफ डाई प्लेट थिकनेस। आपको पता है डाई प्लेट थिकनेस जो है हमारी वो हमारी 22 mm थी पिछले वीडियो में, तो 1.5 × 22 टेक एन एग्जाम्पल। तो इसकी जो थिकनेस है 1.5 × डाई प्लेट थिकनेस, लेंथ और विड्थ डाई प्लेट के हिसाब से सेम होगी, डाई प्लेट की जो भी लेंथ होगी उसके हिसाब से सेम हम लोग लेंथ रखेंगे स्ट्रिपर प्लेट की, लेंथ और विड्थ बाकी साइजेस, खाली थिकनेस चेंज होगी। अब हम लोग चलते हैं अगला, दैट इज गाइड पिलर एंड गाइड बुश। गाइड पिलर एंड गाइड बुश है जो मूविंग हाफ और बॉटम हाफ, दैट इज फिक्स हाफ को गाइड करते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग का रैम ऊपर जाता है तो हमारा पंचेस भी हम लोग के डाई से बाहर निकल जाते हैं, तो पंचेस को अगर फिर से गाइड करना है और बराबर वो बेंड हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को ये गाइड पिलर और गाइड बुश देना पड़ता है। तो गाइड पिलर और गाइड बुश हालांकि हमको डिजाइन नहीं करने पड़ते क्योंकि ये स्टैंडर्ड मिलते हैं, इसके सभी कंपनियां बनाते हैं, बहुत सारे हम लोग के लोकल लोग भी बनाते हैं। हार्डनिंग टेम्परिंग उसका मटेरियल मोस्टली OHLS होता है या EF31 होता है, बट उसको हार्डनिंग अच्छा होता है, दैट इज 52-55 HRC उसको हार्डनेस दिया जाता है, और आप इसके स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं फाइब्रो जो कि वर्ल्ड की ग्लोबल स्टैंडर्ड है।
सो फ्रेंड्स, ये जो गाइड पिलर गाइड बुश है, हम लोग को मोस्टली डिजाइन नहीं करने होते, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने होते, या आप डायरेक्टली ऑफ द शेल्फ कोई भी टूल सप्लायर से आप खरीद सकते हैं। इसके साइजेस होते हैं 32 स्टैंडर्ड साइजेस में आते हैं, 32-40 स्टार्ट होते हैं, कुछ 15 mm से स्टार्ट होते हैं। और इसमें एक होता है कि ये जो तीन होते हैं, जैसे अभी हम लोग का ये डाई है तो इसमें चार लगेंगे, तो ये जो तीन होते हैं ये 30 mm के होते हैं और एक होता है 32 mm का, ताकि फुल प्रूफिंग रहे, तो डाई हम लोग उल्टी बिठा ना सके, एक ही टाइप एक ही फुल प्रूफिंग पोकायो के जो कंसेप्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। तो ये इस तरह से गाइड पिलर और गाइड बुश हम लोग प्रोक्योर करेंगे मार्केट से। और अगर तुम इसको बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हो, पर देन उसको आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, आईडी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और बहुत सारी मशीनें लगेगी, तो इसीलिए अवॉइड कीजिए और स्टैंडर्ड खरीद लीजिए और उनके हिसाब से अपने स्लॉट, इनके हिसाब से, इनके डिजाइन के हिसाब से स्लॉट अपने डाई प्लेट में और बॉटम प्लेट में कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रेस टूल कवर कर लिए यहाँ पे, और उस हिसाब से आप ये पूरा प्रेस टूल, ताकि दैट इज ब्लैंकिंग, पियर्सिंग और कटिंग टूल, इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं और सारे साइजेस आपको मिल गए हैं। तो इस हिसाब से आप अपना प्रेस टूल डिजाइन कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने का, या फिर कोई अच्छा टॉपिक हो तो मैं उसको स्टडी करके मैं उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप नया कंसेप्ट इजीली सीख सके। तो ये डिजाइन करियर में आप अपना पाथ आगे बढ़ाइए, और अगर चाहे तो अपना टूल रूम खोलिए। मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि एक टूल रूम को कौन सी बेसिक मशीनें चाहिए बनाने के लिए, टूल रूम सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वो मैं उसके एक शॉर्ट रिक्वायरमेंट डालूंगा, ताकि आप भी अपना टूल रूम खोल के अपने कस्टमर्स बना सके और लोगों को सर्विसेज दे सके प्रेस टूल की। ओके गाइस, हैव अ वंडरफुल डिजाइन करियर अहेड। थैंक यू।